आरके सिंह, आप लोगों का कक्षा 10 में स्वागत करता हूँ। अभी तक आप धनुष भंग के बारे में सुना, किस तरह से रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं और उनका सीता से विवाह होता है, और समय का कुछ ऐसा चक्कर चलता है कि राम को वनवास जाना पड़ता है, तो सीता जी जंगल की ओर जा रही हैं, उसी समय का यहाँ पर वर्णन है। पुर तेज निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दय मग में डगद्वय। पुर ते अर्थात श्रृंगेर पुर से जब रघुवीर की बधु श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं, रास्ते में दो ही कदम आगे चली होंगी, झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके मस्तक पर जल के कण जो है झलकने लगते हैं, पसीने की बूंदें जो हैं दिखाई देने लगती हैं। पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके मधुर ओठ, उनके लाल लाल मधुर ओठ सूख गए हैं प्यास के कारण, या चलने के इतनी सुकुमार हैं कि उनके चलने के कारण उनके सुंदर ओठ जो हैं वे सूख गए हैं और थक गई हैं, दो ही कदम गई हैं, इतनी सुकुमार हैं, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो कि तुम्हें। और फिर वे पूछती हैं श्री रामचंद्र जी से, कहती हैं हे जी चलनो अब केतिक, हे जी अभी कितना दूर चलना है। पहले की स्त्रियां नाम नहीं लेती थी, केवल ए जी ओ जी करके, ए जी का अर्थ होता है ए गधे, तो ए जी अभी आपको कितने, अभी जो है चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है, पर्ण कुटी करियो कि तुम्हें, और पर्ण पत्ते की कुटिया अपनी मड़ैया कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लख आतुरता पिय की, अपने प्रियतम की व्याकुलता को देख करके श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसुओं या आंसू जो है बहने लगते हैं। दूसरी पर देखिए, जल को गए लखन है लड़िका, परिखो पिए छाह धरिक वह ठाड़ी। सीता जी कहती हैं कि हे प्रियतम, लक्ष्मण जी अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, वे जल लेने के लिए गए हैं, परिखो थोड़ा सा उनका इंतजार कर लें, पिए धरिक वह ठाड़ी, कहीं छाह धरिक वह ठाड़ी, हे प्रियतम कहीं छाया में खड़े होकर के हम उनका इंतजार कर लें। पोछ पसेव बयार करम, आप थक गए हैं, आपके शरीर से पसीने निकल रहे हैं, तो तुम्हारे आपके पसीने को मैं पोंछ दूं और अपनी आंचल से हवा करूं, और पाए पखारे भूभुर डाड़े, और जो पैर में धूल लगे हुए हैं उसको मैं अपनी आंचल से जो है पोंछ लूं। कितनी सुंदर बात है, जो पति भक्त दो होते हैं, पति भक्त, और कितने लोग तो पति से जो है बहुत लड़ाई करते हैं, काम कहीं के आए तो बस शुरू हो गए नगाड़ा की तरह। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने प्रियतमा को थका हुआ देख करके वहीं छाया में बैठ जाते हैं, विलम्ब लवकंटक काढ़ी, और बहुत देर तक जो पैर में कांटे धसे होते हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी जी अपने प्रति ऐसा प्रेम देख करके कि श्री रामचंद्र जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इसे देख करके उनका शरीर पुलकित हो रहा है, बार विलोचन बाढ़े, और उनकी आँखों से भी जो है आंसू निकल रहे हैं, उधर रामचंद्र जी भी रो रहे हैं, इधर सीता भी रो रही हैं,
हमको एक कहानी याद आ गया कि एक जगह शादी थी, लड़कियाँ रो रही थी, तो लड़कियाँ को देख करके दुल्हनिया को देख के दुल्हवा रोने लगा, और दुल्हवा रोए लाग तो फिर दुल्हवा के बपवो रोए लाग, तो दुल्हवा के बपवा पूछे, दुल्हवा पूछा था बाबू तू काहे के रोवत है, कहें बेटवा तू काहे के रोवत है, कहें जौन हुए दुल्हनिया रोवत हो यही के नाते रोवत है, कहें हम तुम्हें देख के रोवत है कितना लायक लड़किया पैदा की है। रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन हूँ तो कठोर हूँ, रानी को मैं जान गई। वहाँ जब रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ के जो स्त्री पुरुष हैं वे कह रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन हूँ तो कठोर ही हो, रानी को मैं जान गई वह बहुत ही अज्ञानी है और उसका हृदय पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। राजहु काज अकाज न जान, अरे राजा भी उचित और अनुचित को नहीं जाना, कहे होती ये को जिन कान की, वह एक स्त्री के कहने पर इन तीनों को जंगल भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति, अरे इतनी सुंदर मूर्ति, ये तो मन में बसाने योग्य हैं, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए, इनके बिछड़ने पर उनके प्रियतम लोग, उनके परिजन